नमस्कार, मैं सनी तस्वीर और ये सीधी लाइव तस्वीरें मैं आप लोगों को नरेला औद्योगिक क्षेत्र से दिखा रहा हूँ कि देखिए किस प्रकार से नरेला औद्योगिक क्षेत्र में भीषण आग लग चुकी है और लगभग 3 कंपनियों में ये आग अपनी चपेट में ले चुके हैं। देख सकते हैं ये लाइव तस्वीरें मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि किस प्रकार से ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं कि लगातार जो है वो आग बढ़ती जा रही है। फायर कर्मचारी विभाग के लोग जो है वो लगातार आग को काबू करने के लिए जुटे हुए हैं, लेकिन आग जो है वो भयंकर है। देख सकते हैं ये लाइव तस्वीर। जितने भी दर्शक खबर को देख रहे हैं, खबर को शेयर अवश्य कीजिए। बताया जा रहा है कि जूते और चप्पल की ये कंपनी है और जूते चप्पल यहाँ पर बनाए जाते थे। लगभग 3 से 4 कंपनियों में यही काम होता था, लेकिन उसके आज पता नहीं क्या ऐसा मामला हुआ कि आग जो है वो इतनी भीषण लगी। तुरंत सूचना इसकी जो है वो फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को दी गई और उसके बावजूद यहाँ पर दमकल विभाग के जवान पहुँचे और आग पर काबू पाने की लगातार कोशिशें जो है वो की जा रही है। हालाँकि ये भी बताया जा रहा है कि कंपनी चालू थी और अंदर जो है वो लेबर काम कर रही थी, लेकिन लेबरों को बताया जा रहा है कि कुछ लेबरों को बाहर निकाल लिया गया था, लेकिन अभी तक यह नहीं कंफर्म हुआ है कि सभी लेबर बाहर आ चुकी थी या नहीं आ चुकी थी। लेकिन आग वो लगभग 3 से 4 कंपनियों में आग लगी हुई है, जिसकी लाइव तस्वीरें हम आप लोगों को दिखा रहे हैं। जितने भी दर्शक खबर को देख रहे हैं, खबर को शेयर अवश्य कीजिए। देख सकते हैं कि लगातार जो है वो आग को काबू करने के लिए दमकल विभाग के जवान अपनी जान को हथेली पर रखकर आग को काबू करने की लगातार कोशिशें कर रहे हैं। लगातार दमकल विभाग की गाड़ियां आ रही है, देख सकते हैं लगातार दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंच रही है। अभी तक बताया जा रहा है कि 6 से 7 गाड़ियां मौके पर पहुंच भी चुकी है, लेकिन आग अभी तक काबू नहीं हो पाई है। आग लगातार अपना विकराल रूप लेती ही जा रही है। आग को बुझाने के लिए लगातार दमकल विभाग के कर्मचारियों के द्वारा कोशिशें की जा रही है। जितने भी दर्शक खबर को देख रहे हैं, खबर को शेयर अवश्य कीजिए। देख सकते हैं किस प्रकार से ये लाइव तस्वीरें के जरिए हम आप लोगों को दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से जितने भी दर्शक खबर को देख रहे हैं, खबर को शेयर अवश्य कीजिए। देख सकते हैं किस प्रकार से लगातार जो है वो देश की राजधानी दिल्ली के नरेला क्षेत्र में ये आग लगी है। जूते चप्पल की यह कंपनी बताई जा रही है और दमकल विभाग की 5 से 7 गाड़ियां मौके पर पहुंच चुकी है और लगभग 3 से 4 कंपनियों को इस आग ने अपनी चपेट में ले लिया है और लगातार फायर ब्रिगेड के कर्मचारी आग को बुझाने की तमाम कोशिशों में जुटे हुए हैं। अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया है कि जितनी भी लेबर अंदर काम कर रही थी उनको बाहर सुरक्षित निकाल लिया है या नहीं निकाला है, लेकिन दमकल विभाग के कर्मचारी लगातार कोशिश जरूर कर रहे हैं कि कैसे न कैसे इस आग पर काबू पाया जा सके और आग को आसपास की कंपनियों में लगने से बचाया जा सके। ये हम आपको नरेला के औद्योगिक क्षेत्र से तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस प्रकार से जूते चप्पल बनाने की फैक्ट्री थी और इसी में आग लगी है। आग लगने के कारणों का अभी तक पता नहीं लग पाया है, लेकिन दमकल विभाग की देख सकते हैं दमकल विभाग की लगभग 7 से 8 गाड़ियां यहाँ पर मौके पर ही पहुँच चुकी हैं और लगातार आग को बुझाने की लगातार कोशिशें की जा रही है। दर्शक जितने भी दर्शक खबर को देख रहे हैं, खबर को शेयर अवश्य कीजिएगा। देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरे आसमान में धुएं का गुबार जो है वो उठ गया है। आग कितनी तेज है कि फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों को अंदर जाने की भी परमिशन अभी नहीं दी गई है, क्योंकि अंदर जा ही नहीं सकते हैं क्योंकि लगातार आग का जो प्रकोप है तेज होता जा रहा है। क्योंकि पहले भी इसी तरीके से कंपनियों में आग लगी थी, जिसमें एक दमकल विभाग के जवान की मौत हो गई थी और 3 दमकल विभाग के कर्मचारी जो है वो बुरी तरीके से घायल हो गए थे। अब धीरे धीरे लगातार जो है वो आग को काबू करने की तमाम कोशिशें यहाँ पर की जा रही है। लगभग लाखों का नुकसान जो है वो बताया जा रहा है कि पूरी कंपनी में मटेरियल भरा पड़ा था, जूते चप्पल की कंपनी बताई जा रही है और लगातार कोशिशें की जा रही है कि आग को काबू पाया जा सके। हालांकि जो बचा खुचा सामान था आसपास की कंपनियों में सामान था उनको जरूर बाहर निकाल लिया गया ताकि आग इधर उधर ना लगे, अगर लगती है तो काफ़ी नुकसान ना हो।
लेकिन इस कंपनी में जो है वो लगभग लाखों का नुकसान जो है वो जरूर हुआ है। काफी दर्शक जुड़े रहिए, आगे की अपडेट हम आपको दिल्ली समाचार पर देते रहेंगे। देखते रहिए सनी तुसीर के साथ। इतने भी दर्शक खबर को देख रहे, खबर को शेयर अवश्य कीजिएगा। आग को बुझाने की तमाम कोशिशें लगातार जो है वो दमकल विभाग के कर्मचारियों के द्वारा की जा रही है, लेकिन आग पर अभी तक काबू नहीं पाया गया है। लगातार कोशिशें की जा रही है कि जल्द से जल्द आग को बुझाया जा सके ताकि आसपास की जो कंपनियां हैं उनमें आग ना लगे। इसकी लाइव अपडेट हम आपको लगातार दिखा रहे हैं और लगातार हम आपसे बने हुए हैं, और लगभग एक से डेढ़ घंटा हो चुका आग को लगे, लेकिन आग पर अभी तक काबू नहीं पाया गया है। जितने भी दर्शक खबर को देख रहे हैं, खबर को शेयर अवश्य कीजिएगा। देख सकते हैं किस प्रकार से रह रहकर जो है वो आग की लपटे लग रही है। पूरे आसमान को धुएं का गुबार आपको जरूर दिखाई देगा। देख सकते हैं पूरे आसमान में धुएं का गुबार है ये, और लगातार फायर ब्रिगेड के कर्मचारी अपनी जान को जोखिम में लगाते हुए आग को काबू करने में लगे हुए हैं। जो लोग ये बोलते हैं कि दमकल विभाग के कर्मचारी खाली रहते हैं, वो देख सकते हैं किस प्रकार से अपनी जान को हथेली पर रखकर दूसरों की जान को बचाते हैं और लगातार कोशिशों में लगे रहते हैं कि आसपास की जो कंपनियां हैं, आसपास के जो घर हैं उनमें आग ना लगे, और अपनी जान को जोखिम में रखते हुए आग को लगातार काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले भी नरेला इंडस्ट क्लेरी में आग लगी है, जिसमें पहले भी दमकल विभाग के जवान मर चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। अब ये लाइव तस्वीरें हम आपको यहाँ की दिखा रहे हैं कि आज बड़े ही सैकुल कुशलता के साथ जो है वो नरेला औद्योगिक क्षेत्र में दमकल विभाग के जवान आग को काबू करने में लगे हुए हैं। सीधी तस्वीरें हम आपको बोरगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया की दिखा रहे हैं। लगभग डेढ़ घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है आग को लगे हुए, और लगातार फायरकर्मी आग को बुझाने में जुटे हुए हैं। आप देख सकते हैं फायरकर्मी बड़ी मशक्कत कर रहे हैं, और पूरी तरीके से जो बताया जा रहा है कि ये चार मंजिला फैक्ट्री है, और आसपास की जो बताया जा रहा है चार जो फैक्ट्रियाँ हैं वो 400 गज के आसपास की फैक्ट्री है, और नीचे बेसमेंट भी है। पूरे एरिए को अपनी आग ने अपनी चपेट में ले लिया है। बताया जा रहा है कि इसके अंदर जूते चप्पल बनाने का काम चलता है, और लगभग एक डेढ़ घंटे से इसमें आग लगी हुई है, और फायरकर्मी मशक्कत से आग बुझाने की कोशिश में जुटे हैं। लगभग एक दर्जन से ज़्यादा गाड़ियां मौके पर मौजूद है, और लगातार आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। सीधी तस्वीरें हम आपको बोरगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया की दिखा रहे हैं, और कुछ समय पहले भी बोरगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया में एक फैक्ट्री में आग लगी थी, जहां पर फायरकर्मी आग बुझाने में लगे हुए थे, और वो फैक्ट्री के अंदर ब्लास्ट हुआ और चार फायरकर्मी थे वो उसके अंदर झुलस गए थे, और उनमें से कुछ समय बाद एक फायरकर्मी की मौत भी हो गई थी। तो जिस तरीके से यहाँ पर बोरगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया है, बहुत बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया है, और ये भी बताया जा रहा है कम से कम एक घंटे के आग लगने के बाद कम से भी कम जो फायरकर्मी फायर की जो गाड़ी थी वो एक घंटे के बाद यहाँ पर पहुँची। कहीं ना कहीं फायर की जो है वो भी यहाँ पर कहीं ना कहीं देरी देखने को मिली। जिस तरीके से आग लगी और फायरकर्मी एक घंटे के बाद यहाँ पर पहुँचते हैं, उस वक्त तक आग ने आप काफ़ी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया था, और जिस तरीके से आग लगी, जितने भी दर्शक इस खबर को देख रहे हैं लगातार इसको पेज को लाइक भी करते रहिए और शेयर भी करते रहिए। ये सीधी तस्वीरें हम आपको बोरगढ़ इंडस्ट्रियल एरिया की दिखा रहे हैं, और बताया जा रहा है जिस वक्त ये आग लगी लोगों ने तुरंत फायर को कॉल कर दिया था, और एक घंटे की देरी से फायर यहाँ पर पहुंची, और बताया जा रहा है जिस टाइम आग लगी उस टाइम पे काफ़ी कर्मचारी भी इसके अंदर काम कर रहे थे,
गनीमत ये रही कि समय रहते सभी फायर कर्मियों को इसके अंदर से निकाल लिया गया, नहीं तो फिलहाल अभी तो माल का नुकसान हुआ है। ये तो जांच का विषय है कि कोई अंदर लेबर जो काम कर रही थी वो सभी लेबर बाहर निकल आई थी या नहीं निकल पाई थी, ये तो जांच के बाद ही पता लग पाएगा। फिलहाल जिस तरीके से बताया जा रहा है, जब आग लगी तो बताया जा रहा है कि किस कारणों से ये आग लगी, ये भी अभी साफ नहीं हो पाया है। फिलहाल आग ने लाखों का जो सामान है वो जलकर जरूर राख हो गया है। आप देख सकते हैं आग ने कितना भयानक रूप ले रखा है, पूरा आसमान धुएं की तरह, जो गुब्बार पूरे आसमान ने, धुएं ने पूरे आसमान को अपनी चपेट में ले लिया है। चारों तरफ धुआं ही धुआं दिखाई दे रहा है और आग जबरदस्त तरीके से आग लगी हुई है और फायर कर्मी भी कहीं पीछे नहीं हट रहे। फायर की भी एक दर्जन से ज्यादा गाड़ियां लगातार आग बुझाने की कोशिश में जुटी है। बिल्कुल लगातार ये अपडेट हम आपको दिखा रहे हैं कि 1.5 घंटे से ये आग लगी हुई है। फायर दमकल विभाग के कर्मचारी जवान लगातार आग को बुझाने में लगे हुए हैं, लेकिन आग पर अभी तक काबू नहीं पाया गया है। बड़ी हाइड्रोलिक मशीनें भी बुलाई गई है लेकिन अभी तक मशीनें भी नहीं आई हैं। 1.5 घंटे से ये आग इसी तरीके से लगी हुई है। सिर्फ कोशिश यही है कि आसपास की जो कंपनियां हैं उनमें आग ना लगे, इस आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। सभी दर्शक जो भी दिल्ली समाचार को देख रहे हैं उनका धन्यवाद और आगे की खबरों को देखने के लिए भी बने रहिए दिल्ली समाचार के साथ। देखते रहिए सोनू और सन्नी के साथ दिल्ली समाचार।